प्रियंका गांधी आज झांसी के दौरे पर हैं और रोड शो करेंगी। फिलहाल मिस्टर राजीव पाठक जी हैं जो सिद्धेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, और यहां पर क्या पूजा पाठ होने वाली है, क्या तैयारियां हैं वो मैं इनसे जान लेता हूं। सर कल से इतला है कि आने वाली हैं मैडम, यहां पर क्या क्या तैयारियां आपने करी हैं और किस प्रकार की पूजा पाठ होगी यहां पर? आज सबसे पहले वो यहां के भगवान सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद में यहाँ एक अति लघु रुद्रीय एक पूजन होगा, उसके बाद में आरती और पुष्पांजलि के बाद में। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्या इसके पुराणों में इसका जिक्र किया गया है, क्या बात है? हाँ, इसका इतिहास ये है कि यहाँ झांसी के जो प्रथम सांसद थे श्री धुलेकर जी, उनको भगवान शिव जी ने स्वप्न दिया कि हम यहाँ पर विराजमान हैं और बगल में एक पार्वती कुंड है, वहाँ से भगवान का वहाँ से निकले हैं कुंड में से, और यहाँ पर उनको पुख नक्षत्र के दिन स्थापित किया गया है। और इस मंदिर की विशेषता है कि ये पुख के दिन ही बनता है, पुख यानी महीने में एक बार ही 27 दिन में एक बार पुख नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र के दिन ही उसमें निर्माण का कार्य होता है, और हर एक पुख को निर्माण कार्य होते हुए तो आज ये सिद्धेश्वर मंदिर पूरा बना हुआ है। और ये जब मंदिर हम लोग उसके ऊपर टॉप से देखेंगे तो श्रीयंत्र के आकार का बना हुआ मंदिर है, बड़ा दुर्लभ मंदिर है, 64 योगिनी का वास है, वास्तु का वास है, श्रीयंत्र का निवास है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, तो क्या माने कि अगर प्रियंका गांधी आकर यहाँ पर कहेंगे और मांगे तो फिर कांग्रेस की स्थिति यहाँ सुधर सकती है, क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो भगवान के हाथ में है, बाकी यहाँ तो सबके सब लोग आते हैं दरबार में, ईश्वर के दरबार में सभी आते हैं, बात यह है कि कौन कितनी मनोकामना से आता है, किसकी मनोकामना पूरी होती है, वो सिद्धेश्वर भगवान का। झांसी के अंदर पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इस मंदिर की महत्व रहता है, और जो भी प्रत्याशी होता है, उम्मीदवार होता है, जो भी बड़ा नेता आता है वो इस मंदिर में आता है, ये हमेशा से इतिहास रहा है। बिल्कुल, हमेशा से यहाँ पे राहुल जी जब भी आते हैं तो राहुल जी दो बार यहाँ पे आ चुके हैं, जितने नेता मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर अपनी यात्रा वो शुरू करते हैं, चुनाव यात्रा हो चाहे अपनी व्यक्तिगत यात्रा हो, अगर कोई झांसी आता है तो मोस्टली यहाँ आ जाते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ साफ है कि इंतजार हो रहा है कि प्रियंका गांधी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगी, पहले इस मंदिर के दर्शन करेंगी और उसके बाद अपने रोड शो को वो आगे बढ़ाएंगी। कैमरामैन हरविंदर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 झांसी, उत्तर प्रदेश।